सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग ने अभी तक पढ़ा था कि पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो दो प्रकार का बताया गया है, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन मैंने बताया था जिसमें रूट का कोई काम नहीं होता, रूट सिर्फ जगह देता है पानी को ऊपर तक जाने के लिए और ऊपर से एक खिंचाव उत्पन्न होता है जो पानी को ऊपर की तरफ खींचता चला जाता है। और ये खिंचाव कहाँ पर बनता है? ऊपर, सबसे ऊपर पत्तियों में, जहाँ से पानी इवोपरेट होके बाहर जाता है ट्रांसपिरेशन के जरिए। तो सेल का डीपीटी बढ़ता जाता है और डीपीटी बढ़ने के चक्कर में नीचे से पानी ऊपर 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 चढ़ता जाता है। ये पिछली क्लास में मैंने आपको पूरा बता दिया था। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन अगर मैं आपको बताऊं तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन वो होता है जहां पे कुछ ऊर्जा लग रही है। पैसिव एब्जॉर्प्शन में कोई ऊर्जा नहीं लगती है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ऊर्जा लगती है, एक फोर्स डेवलप होता है। ये फोर्स कहाँ डेवलप होता है? जड़ में। जड़ केवल रास्ता नहीं दे रही है पानी को जाने के लिए, जड़ से एक फोर्स भी डेवलप हो रहा है जो खींच रहा है पानी को। ये जो फोर्स डेवलप होता है जड़ के अंदर, या प्रेशर जो जड़ के अंदर होता है वो कहाँ होता है? जाइलम सैक के अंदर होता है। जाइलम किसका बना है? ट्रैकीट्स और वेसल्स का। जाइलम के ट्रैकीट्स और वेसल्स में एक प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। और ये जो प्रेशर है इसको कहते हैं रूट प्रेशर, या इसको एक्सुडेशन प्रेशर भी कहते हैं। और ये रूट प्रेशर जो टर्म है ये 1727 में स्टीफन गेल्स ने दिया था। उन्होंने बताया था कि रूट के अंदर जो जाइलम है, ट्रैकीट्स हैं, जाइलम एलिमेंट्स हैं, उन ट्रैकीट्स में एक प्रेशर डेवलप होता है जो पानी को ऊपर फेंकता है। ये एक एक्सपेरिमेंट से समझ में आ सकता है आपको बहुत अच्छी तरीके से। एक्सपेरिमेंट ये है कि जैसे एक टमाटर के पौधे को आप गमले में लगा हुआ एक टमाटर का पौधा लीजिए, ठीक है, अच्छा खासा पौधा है, और उस पौधे को जैसे इतना बड़ा पौधा है तो यहाँ से बीच में से उसका तना आप काट दीजिए। तने को काट के जहाँ पे तने को काटा है वहाँ पे आप थोड़ा सा एक ट्यूब, कांच का ट्यूब जिसमें थोड़ा सा पानी है, वो रबर बैंड से वहाँ पे बांध दीजिए, ठीक है। थोड़ी देर तक इस एक्सपेरिमेंट को आप सेट करके रख दीजिए, फिर आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो ट्यूब में पानी का लेवल बढ़ जाता है। ये पानी का लेवल कैसे बढ़ा? ये पानी कहाँ से आया? ये पानी जड़ में से, जड़ के थ्रू, जो गमले में जो पानी है मिट्टी में, वो पानी जड़ खींच रही है और ऊपर भेज रही है। तो यहाँ से हमने सारी पत्तियाँ हटा दी, पत्तियों से जो एक फोर्स डेवलप होता था जो पानी को खींचता था वो तो यहाँ खत्म कर दिया। तो फिर क्या है? जड़ के अंदर से एक फोर्स डेवलप हो रहा है, रूट प्रेशर, जिससे ये पानी ऊपर जा रहा है। और कितनी मात्रा में जा रहा है, ये प्रेशर कितना है, इसको मैनोमीटर से हम मेजर भी कर सकते हैं, जांच भी सकते हैं कि कितने प्रेशर से ये पानी ऊपर गया है, रूट प्रेशर कितना है। इसको जांचने के लिए इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर, जिससे हम इसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो ये रूट, ये जो हुआ ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन हुआ जिसमें रूट के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एसेंट ऑफ सैप। सैप किसको कहते हैं? खाली प्योर वाटर को सैप नहीं कहा जाता। जो भी पानी जमीन में से रूट्स के द्वारा अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और ऊपर तक पहुंचाया जाता है, वो केवल पानी नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स उसके अंदर घुले रहते हैं। तो वो प्योर वाटर नहीं होता। जिस पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स घुले हुए हैं उसको कहते हैं सैप। और एसेंट का मतलब है ऊपर चढ़ना। ये जो सैप है ये ऊपर तक, यानी जड़ से लेके पत्ती तक कैसे पहुंचता है, इस प्रक्रिया को, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब है कि जो सैप है जमीन में वो जड़ से बिल्कुल टॉप तक प्लांट के कैसे पहुंचता है, इस प्रोसेस को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। अब जैसे छोटे छोटे पादप हैं, ग्रासेस हैं, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, झाड़ियाँ हैं इनकी भी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं 75 मीटर से 125 मीटर लंबे लंबे,
जो होते हैं स्पेशली जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, तो जड़ से लेके इतनी ऊंची हाइट तक पानी कैसे पहुंचता है, तो वो जो मैंने आपको बताया था रूट प्रेशर से भी पानी ऊपर चढ़ता है, लेकिन रूट प्रेशर में इतनी ताकत नहीं होती है कि पानी को टॉप तक पहुंचा सके। तो ये क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जानने से पहले आपको बताएंगे कि पानी किसके जरिए जाता है, रूट में से एब्जॉर्ब होकर के कौन सा पार्ट है रूट और तने का जो पानी को ऊपर पहुंचाता है, वो है जाइलम। पांच रास्ता है जाइलम, जाइलम के ट्रैकेट्स और वेसल्स, इनके जरिए पानी ऊपर चढ़ता है। ये कैसे प्रूव किया जा सकता है कि पानी जो सैप है जिसमें मिनरल्स घुले हुए हैं वो जाइलम के जरिए ऊपर जा रहा है, इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट 1675 में बाल्टिकी ने दिया था। अब इसमें मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। दो पौधे लिए, दो पौधे किसमें गमले में लगे हुए लिए गए। पहला पौधा, पहले पौधे में ये देखिए, पहले पौधे में ये गमला है, गमले के अंदर ये पौधा लगा हुआ है, ये पौधा लगा हुआ है। इस पौधे में यहां से यहां तक बाहर की परत हटा दी जाती है चक्कू से। ये देखिए इतने पोर्शन में, जैसे ये तना है, इस तने के इतने पोर्शन में बाहर की एक पूरी परत हटा दी जाती है कैंबियम के बाहर की। अब आपको मालूम है कैंबियम के बाहर क्या क्या होता है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, फ्लोयम है। जाइलम कैंबियम के अंदर रहता है, जाइलम कैंबियम के अंदर रहता है। तो ये जो परत हटाई गई है चारों तरफ से, इसमें जाइलम बच गया है, बाकी फ्लोयम वगैरह सब यहाँ से हट जाता है। दूसरा एक और पॉट लिया जाता है, इस पॉट में क्या करते हैं, ये जो तना है इसमें से परत नहीं हटाते हैं, यहाँ से छेद करके नीडल के जरिए अंदर से जाइलम हटा दिया जाता है। यहाँ पे जाइलम हटा दिया गया है, जाइलम नहीं है और यहाँ पे जाइलम है। अब इस पौधे को रख देते हैं, आप देखेंगे कई घंटों के बाद में इसकी पत्तियां बिल्कुल फ्रेश हैं, क्योंकि जाइलम के जरिए पानी इसमें पत्तियों तक पहुंच रहा है। जाइलम ने हटाया था, फ्लोयम वगैरह हटा दिया गया था, यहाँ पे फ्लोयम सब कुछ मौजूद है, केवल अंदर से नीडल के जरिए क्या हटाया गया है, जाइलम को हटाया गया है। इसकी पत्तियां मुरझा जाएंगी क्योंकि पानी ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। तो ये क्लियर कट, ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट बताता है कि पानी या सैप का ऊपर जाने का जो रास्ता है वो क्या है, जाइलम है। एक और एक्सपेरिमेंट है यूज ऑफ डाई, डाई के जरिए जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें क्या करेंगे, बीकर के अंदर एक प्लांट लेंगे, उस बीकर में जो पानी है उसमें एक डाई डाल देते हैं, रंग डाल देते हैं, क्रियोसिन रेड कलर की डाई डाल दी जाती है, तो पानी कैसा हो गया, रेड कलर का। आप देखेंगे उस प्लांट के अंदर जो वेन्स हैं, जो शिराएं हैं, वो आपको लाल लाल नजर आएंगी। फिर अगर जैसे स्टेम का आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो जाइलम की जो कोशिकाएं हैं वो लाल नजर आएंगी, फ्लोयम की कोशिकाएं लाल नजर नहीं आएंगी। इससे पता चलता है कि ये जो डाई गई है वो किसके थ्रू गई है, जाइलम के थ्रू गई है। ये डाई किसके साथ नहीं गई है, फ्लोयम के थ्रू नहीं गई है। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप पे कौन सी थ्योरी है जिसकी वजह से ये पानी आप 125 मीटर की ऊंचाई तक भी प्लांट्स में पहुंच जाता है। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं आपके कोर्स में। जो थ्योरी है वो है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, इसको डिक्सन एंड जॉली थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डिक्सन एंड जॉली ने 1894 में इस थ्योरी को बताया था। और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी का मतलब है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से पत्तियों में एक फोर्स डेवलप होता है, एक खिंचाव डेवलप होता है जो पानी को ऊपर खींचता है।
अब इसके लिए आपको सारा का सारा वापस से पैसिव एब्जॉर्प्शन याद करना पड़ेगा। जो मैंने आपको पैसिव एब्जॉर्प्शन बताया था उसके लिए कहाँ से शुरुआत होती है, ऊपर पत्ती से शुरुआत होती है। इसको अच्छे से सुन लीजिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ नहीं समझा पाऊंगी, आपको सिर्फ बोल के बता रही हूँ। आपको अच्छे से समझना है, अपने शब्दों में आप उसको लिख लीजिएगा। होता क्या है, पूरा का पूरा पैसिव एब्जॉर्प्शन जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। पानी के अंदर दो तरीके के फोर्स होते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ बहुत ही ज्यादा फोर्स से जुड़े रहते हैं। कोहेसिव का मतलब सेम मॉलिक्यूल्स, पानी के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं तो वो एक कंटिन्यूस एक कॉलम बन जाता है। दूसरा एडहेसिव फोर्स होता है पानी के मॉलिक्यूल्स जाइलम की जो कोशिकाएं हैं उनकी भित्ति से भी जुड़े रहते हैं। जाइलम की कोशिकाएं कौन सी होती है, ट्रैकीट्स और वेसल्स, जिसके जरिए पानी ऊपर चढ़ रहा है, जिनके जरिए पानी ऊपर चढ़ रहा है उनकी भित्ति से भी ये अटैच हो जाते हैं। कौन, पानी के मॉलिक्यूल। ये कौन सा फोर्स हुआ, एडहेसिव फोर्स। जब पानी के मॉलिक्यूल जाइलम की कोशिका के भित्ति से जुड़ते हैं, चिपकते हैं, उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, और आपस में चिपकते हैं उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। इन दोनों फोर्स की वजह से, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स की वजह से, नीचे जड़ से लेके पत्ती तक जो जाइलम है उसमें पानी एक कंटिन्यूसली कॉलम बन गया, जिसमें कोई भी बीच में एयर बबल नहीं है, कोई भी बीच में ब्रेक नहीं है। ठीक है, फिर क्या होगा, ऊपर जहां से ट्रांसपिरेशन शुरू हो रहा है, कहां से हो रहा है, पत्तियों से। पत्तियों से जब पानी एवोपरेट होगा तो सबसे पहले किससे होगा, एपिडर्मिस में से निकलेगा, स्ट्रोमेटा के जरिए जाएगा। तो उसके नीचे क्या है, मेसोफिल की कोशिका। मेसोफिल का जो डीपीडी है, मेसोफिल की कोशिका है, तो पहले एपिडर्मिस, स्ट्रोमेटा का डीपीडी बढ़ गया, पानी निकल गया, तो मेसोफिल की कोशिका का पानी एपिडर्मिस और स्ट्रोमेटा में गया। मेसोफिल के पानी निकलते ही मेसोफिल की कोशिका का डीपीडी बढ़ गया तो उसके नीचे कौन आ जाएगा, मेसोफिल की कोशिका के नीचे आ जाएगा जाइलम। जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स में से पानी फिर किस में जाएगा, मेसोफिल की कोशिका में। अब जाइलम वेसल्स का ऊपर फिर क्या बढ़ गया, डीपीडी बढ़ गया, तो ये पानी फिर खींचता चला जाएगा, कहां तक आ जाएगा, जड़ तक आ जाएगा, जड़ तक आ जाएगा। फिर उसी तरीके से जड़ में से जमीन से खींच के ये पानी ऊपर पहुंचेगा। पानी को खींच कौन रहा है, ट्रांसपिरेशन। पूरा पैसिव एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया आपको यहाँ पर बतानी है, ये ट्रांसपिरेशन खींच रहा है, इसलिए इसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहते हैं और इसको डिक्सन एंड जॉली थ्योरी भी कहते हैं। बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, पैसिव एब्जॉर्प्शन पूरा मैं समझा चुकी, वही का वही आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन करना है। थैंक यू वेरी मच।